मान जी, मासूम खान जी और हमारी पार्टी के पूर्व विधायक नागेंद्र यादव जी, संतोष पटेल जी, मंजीत कुशवाहा जी, बच्चा पासी जी, राकेश गौतम जी, सत्यनारायण सरोज जी, राम सुंदर यादव जी, भागीरथ यादव जी, राजीव कुमार यादव जी और हमारे साथ बहुत सारे मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा जी, बहुत ही पूर्व में रहे जिला पंचायत के अध्यक्ष और किन के रिश्तेदार, ये हमें बताना नहीं है, प्रमोद मौर्य जी और हमारे संजय पांडे जी, बहुत सारे हमारे समाजवादी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी जो दूसरे मंच पर उपस्थित, कई हमारे साथी जो हमें जनता में दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी साथी, बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता, बहुजन समाज पार्टी के हमारे यहां पर विधानसभा के अध्यक्ष कुंडा सत्यनारायण सरोज जी, दूसरे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राकेश गौतम जी और हमारे शायर जो बंबई और प्रतापगढ़ के हैं, सलीम सहजादा जी और पूर्व सांसद सीएन सिंह जी, बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता सपा बसपा के इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां जितने उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतनी गर्मी में, इतनी दोपहरी है समय, सूरज सीधा हमारे सर पर दिखाई दे रहा है, सूरज सर पर है लेकिन एक भी कार्यकर्ता नेता घबरा नहीं रहा है, इस गर्मी का मुकाबला कर रहा है। ये जो चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है, ये नई खुशी दिखाई दे रही है हमें चेहरों पर, ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि इस बार यहां से परिवर्तन होने जा रहा है। ये लोग, कुछ लोग जो दूसरे वोट पर बहुत, कुछ लोग जो दूसरों के वोट पर बहुत न जाने क्या समझते थे, आज पता लग गया है, आज असली वोट असली लोगों के साथ पहुंच गया है। बताओ, असली जगह आ गए कि नहीं आ गए? आज से आपकी छुट्टी वहां से, बताओ छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? यही तो जोश है जो परिवर्तन लाएगा, ये परिवर्तन आने जा रहा है। जहां हमें मैदान में दिखाई दे रहा है, वहीं हमें जोश पेड़ों पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पेड़ पे बैठे हैं, आम का ही पेड़ है लगता, अभी खट्टी अमिया खा रहे हो, पका दो तो आम खाओगे, लेकिन ऐसी डाल पे बैठना टूटे नहीं। इसलिए अब
जो लोग कहते थे ये ऐसा जोन है, कोई नहीं आ सकता, ये ऐसा जोन है, कुछ लोग कहते थे ऐसी सीमा बनी हुई है, कहीं नहीं जा सकते, आपको कोई देखने भी नहीं आएगा, सुनने भी नहीं आएगा। जब बोर्ड बरसेगा तब पता लगेगा कि उन्हें कोई देखने और सुनने नहीं जाने वाला। कोई सोचता था कि ये गठबंधन हो जाएगा? कोई नहीं सोचता था कि ये गठबंधन हो जाएगा। और ये जो गठबंधन है, याद रखना हमारे साथियों, ये गठबंधन आपका गठबंधन है। ये चाहे हम लोग ऊपर मिल गए हों, लेकिन जमीन पर हमारे किसान और गरीबों का गठबंधन है, जिन्हें आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिला है, उन लोगों का ये गठबंधन है। ये लोग जो हमारे गठबंधन को कभी कभी महामिलावटी बोलते हैं, ये जो महामिलावटी बोल रहे हैं, अभी वो बात आएगी, रुक करके। ये जो हमारे और आपके गठबंधन को कह रहे हैं महामिलावट, अभी तो हम दो दलों से मिले हैं केवल, अभी तो गठबंधन केवल दो दलों से हुआ है। अगर हम महामिलावट हैं तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 38 दलों से गठबंधन किया है, वो कौन सी मिलावट है बताओ आप? कोई मिलावट है क्या? वो न जाने कौन सी मिलावट है वो। और ये महागठबंधन, ये सामाजिक न्याय दिलाने वाला महागठबंधन है। संविधान से जो हमें आपको अधिकार मिले, उन अधिकारों को दिलाने वाला गठबंधन है। और ये ऐसा वैसा नहीं है। गोरखपुर देख लो, जहां से मुख्यमंत्री कभी हार नहीं सकते थे, और ये बगल में फूलपुर देख लो, ये दोनों सीटें, और कैराना जहां से आग लगाई थी प्रदेश में, तीनों लोकसभा हराया है इस गठबंधन ने। ये महागठबंधन जहां लोगों का है, लोगों का, गरीबों का, हमारे पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का जहां गठबंधन है, वहीं अंग्रेजों को साथ लेकर के हमने दिलों को जोड़ करके ये महागठबंधन बनाने का काम किया है। और मैंने उस समय भी कहा था कि चाहे हमें दो कदम पीछे जाना पड़े, हम ये गठबंधन करेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो ताकत बनी है, जो 4 चरणों का संदेश है, वही संदेश 5वें चरण में भी जा रहा है। आज बीजेपी की हवा खराब हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग बहुत चिल्लाते थे टीवी पर, जो बहुत चिल्लाते थे टीवी पर, याद कीजिए, और अब भी टीवी में ही रहते हैं, टीवी से बाहर कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत टीवी में हैं, कोई चैनल बदलो टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। बताओ उनकी आवाज दब गई कि नहीं दब गई? और अब तो लोग सुनने नहीं आ रहे, लोग सुनने नहीं आ रहे। अब हमें नहीं पता, अभी कौसाम्बी आपके बगल में कार्यक्रम था, लेकिन बहराइच और आपके बाराबंकी में कोई सुनने नहीं आया। समझ लो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जाने वाले हैं और सपा और बसपा वाले आने वाले हैं। बताओ हम और आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और न जाने कैसा कैसा हमें धोखा दिया इन लोगों ने, कैसे कैसे सपने दिखाए इन्होंने, कैसे सपने दिखाए हमें और आपको, कैसे सपने दिखा दिए कि अच्छे दिन आएंगे। बताओ हमारे कुंडा के लोगों, तुम्हारे कौन से अच्छे दिन आए हैं? और कहा कि हम नौजवानों को नौकरी दे देंगे, करोड़ों नौकरी,
यही तो कहा था, याद कीजिए। और हमारे किसानों से कहा था कि तुम्हारी हम पैदावार का 1.5 गुना मुनाफा दे देंगे और इतने साल में आपको हम 2 गुना आय कर देंगे, बताओ कहां हैं आपके वादे? ये वादे किए थे कि नहीं किए थे? लोगों ने भरोसा कर लिया, उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। और इसलिए आपने भरोसा कर लिया कि जहां देखते थे वहीं दिखाई देते थे। टीवी देखो तो वहां दिखाई दे रहे, अखबार खोलो तो वहां दिखाई दे रहे, और जो मोबाइल चलाते थे उन्हें भी वहीं दिखाई दे रहे थे। और हमने आपने उनको चाय वाला समझ लिया, हमने आपने उन्हें चाय वाला समझ लिया। कभी कभी लोग धोखा देते हैं, कुछ मिला करके नशा रखते हैं उसमें, चाय में पता नहीं कौन सा नशा था। अब पोल खुल गई चाय की कि नहीं खुल गई, बताओ? चाय की पोल खुल गई अब। अरे हमारे कुंडा के लोगों बताओ, चाय तो पीते होगे आप लोग, लेकिन दूध वाली पीते हो कि काली वाली पीते हो, ये बताओ पहले। और हमें कोई समझा दे यहां पर, कुंडा के लोग समझा दें चाहे पत्रकार साथी समझा दें, ये भी बहुत चाय पीते हैं। अच्छा बिना अच्छे दूध की कैसे अच्छी चाय बन जाएगी, बताओ हमें? कोई हमें समझा दे यहां पर कि अच्छा दूध होगा तभी अच्छी चाय बनेगी, अच्छा दूध होगा तभी अच्छी चाय बनेगी। और यहां दूध वाले हैं कि नहीं है? और अब वही आए हैं चौकीदार बनकर के, चौकीदार बनकर के आए हैं, जो नहीं वो चौकीदार बना जा रहा है, जो किसी लायक नहीं है, जो किसी लायक नहीं है वो भी चौकीदारों के समर्थक हैं, जिनकी पोल खुल गई वो भी चौकीदार के समर्थक हैं, वो भी चौकीदार के समर्थक हैं। और अगर ये बात जान गए हो जो आप चिल्ला रहे हो, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? तो क्या हमारा आय की चौकीदार से काम चल जाएगा? लेकिन चौकीदार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक ठोको नीति चलाने वाले भी हैं, ठोको नीति चला रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री। और ऐसी ठोको नीति चलाई, हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, कभी पुलिस मार रही जनता को, और जहां जनता को मौका मिल जा रहा है वहीं पुलिस की ठोको नीति हो जा रही है। बताओ इतनी पुलिस कभी पिटी हो तो हमें बता दो। हमारे पुलिस के लोगों आंकड़े निकाल लेना, ये ठोको नीति के कारण सबसे ज्यादा हमारे पुलिस के लोग अपमानित हो गए। ये ठोको नीति। और आपको पता होगा संत कवि नगर में एक सांसद जी और विधायक जी में ठोको नीति का क्या असर हुआ। सांसद जी ने जूता उतारा और अपने विधायक जी के सर पर 21 जूतों की सलामी दे दी। बताओ 21 जूतों की सलामी दी कि नहीं दी? लेकिन हमारे पत्रकार साथी बोल रहे थे वो 21 नहीं 12 थे, 12 थे। मैंने कहा अगर बीच बचाव नहीं किया होता तो सांसद जी 21 जूतों की सलामी देने जा रहे थे विधायक जी पर। बताओ कैसे हमारे हैं ठोको वाले जो ठोको नीति चला रहे हैं। अगर हमारे साथियों ने ध्यान से अखबार पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे, हरदोई में गए थे अपने बाबा मुख्यमंत्री जी। बाबा मुख्यमंत्री जी हरदोई गए, वहां पर एक सांड को शिकायत थी बहुत ज्यादा सरकार से, ये पुलिस का सुरक्षा चक्र तोड़ करके सांड पहुंच गया हेलीपैड पर।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी उसकी। उसके बाद वही एक और दूसरा सांड कन्नौज में आ गया, हेलीपैड पे घुस गया वो। होमगार्ड के लोग भागे उसे रोकने के लिए, होमगार्ड का नहीं रोक पाया उसको। उसने ऐसा सींग मारा कि हमारा होमगार्ड का बहादुर साथी दूर जाकर के गिरा। हमारे सिपाही जो पुलिस के जवान है इनको भी जोश आ गया, ये भी गए सांड से टकराने। सांड ने वो पीछे से सींग मारा, पता लगा वही दूर जाकर के गिरे जाकर के। एम्बुलेंस लगाई, सांड नहीं रुका। फायर ब्रिगेड लगाई तब भी सांड नहीं रुका। और जब सांड को बताया कि सुनिए आप गलत हेलीपैड पे आ गए हो, वो अपने आप शांत होकर के वहां से चला गया। बताओ जहां जनता को परेशान किया है इन्होंने, वहीं जानवर भी परेशान है कि नहीं इनकी सरकार में, बताइए। आपको रखवाली करनी पड़ रही है अपने खेत की, सब जानवर खुले घूम रहे हैं। तो याद रखना, केवल चौकीदार नहीं, आपको ठोकीदार भी हटाना है। और सुना है कोई एक धमकीदार भी है यहां कहीं? अरे जब चौकीदार का पता नहीं, ठोकीदार का पता नहीं, तो धमकीदार कहां पता रहेंगे। और धमकीदार भी कमाल के हैं। हमारे कोई क्षत्रिय भाई यहां बैठे हों, सीएन सिंह जी जानते होंगे, और भी क्षत्रिय भाई बैठे हैं हमारे। क्षत्रिय भाइयों के लिए एक कहावत है बहुत पुरानी, हमारे पत्रकार साथियों में भी होंगे क्षत्रिय भाई। तुम तो हमारे साथ हो, लेकिन तुम कान में कुंज हो के सरयू पारी हो, ये बता दो पहले। अब नहीं बताओगे क्योंकि कन्नौज से हम आते, इसलिए कन्नौज कान में कुंज कौन है और वो सब हम समझते हैं बात को। एक कहावत थी इनकी बहुत पुरानी, रघुपत क्या बोलते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई। बताओ यही तो शान है क्षत्रियों की, बताओ है कि नहीं है? बताओ यही तो शान है कि नहीं है? शान है हमारे, हमारे पास असली छत्री भी यहां बैठे हुए हैं। बताओ यही तो है, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और बचन ही चला गया, बताओ वचन चला गया कि नहीं चला गया? कैसे हैं लोग बताओ, वचन चला गया हो? याद रखना, आदमी अगर झूठ बोलता है तो उससे खराब आदमी कोई नहीं हो सकता। वचन का ही पता नहीं लगा, वादा किया था कि वोट देंगे, पता नहीं वो वचन कहां ध्वस्त हो गया, कहां उड़ गया। और जब वचन उड़ गया तो हमने भी तय कर लिया कि जाए जहां जाना चाहे, ये समाजवादी पार्टी दोबारा उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। ये नई समाजवादी पार्टी है, ये दरवाजा नहीं खोलेगी दोबारा। और हम भी ऐसे ही कुछ कमाल के हैं, हमने अपनी पत्नी से वादा कर दिया था, आज तक वो हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गई। बताओ कैसे हैं, कौन से राजा हैं? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, अगर राजा है तो ये जनता राजा है, ये हमारे गरीब राजा हैं। बताओ लोकतंत्र में कोई राजा होता है? कोई राजा नहीं है लोकतंत्र में, ये हमारी जनता राजा है, ये जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको एक कुर्सी छीन लेगी। बताओ लोकतंत्र में ये हालत। और याद रखो साथियों,
साथियों साथियों ये याद रखो आप लोग, समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी, आपकी बहुमत की सरकार थी। अगर किसी ने एहसान किया है तो समाजवादी पार्टी ने एहसान किया उन्हें मंत्री बना करके। बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी उन्हें मंत्री कब बनाएंगे, हमें इंतजार है, हमें इंतजार है कि कब बाबा मुख्यमंत्री मंत्री बनाएंगे। और याद रखना इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद चौकीदार तो जा ही रहे हैं, ठोकीदार भी जा रहे हैं, तब कहां बचेगा कुछ, कहां बचेंगे बताओ। और हमारे कुंडा के लोगों, बिहार के लोगों, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। और हमने तो इतना भरोसा किया था, जाते जाते 300 करोड़ की सड़क स्वीकृत कर दी थी, जाके पता कर लो सड़क स्वीकृत की थी कि नहीं की थी 300 करोड़ की, पता नहीं आपको मिली नहीं कि कहीं और चली गई कि खत्म हो गई सब। 300 करोड़ दिया था और हम आए थे उनके यहां, वो अपने गुरु हैं बाबा जी कृपालु महाराज जी के यहां, ये प्रेस के लोग जानते होंगे, हम मुख्यमंत्री थे, हम आए और प्रधानमंत्री जी की सड़क थी उस समय, प्रधानमंत्री योजना की सड़क, वो घटिया हो गई, ठेकेदार खा गया, याद है कि नहीं पत्रकार साथियों, आप ही में से किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, हमसे पूछा सवाल कि इस सड़क पर जो है जिस ठेकेदार ने काम किया है उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन उस समय सरकार आपकी थी, जी हजूरी कर ली, कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन हमने वहां पर दूसरी सड़क दी, बताओ कैसी सड़क बनी है दूसरी वाली, वो कृपालु महाराज जी के घर तक जाने वाली, आश्रम जाने वाली सड़क जो मुख्य सड़क से जुड़ती है। तो जो विकास कार्य दिए हम लोगों ने, समाजवादियों ने दे करके दिखाए हैं। अरे ये बात जान गए तो हटाते क्यों नहीं हो चौकीदार को भाई, अगर ये बात जान गए हो, ये बात जान गए तो हटाओ फिर। और नौजवान साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, ये साजिश कर रहे हैं लोग, ये बीजेपी और उनके लोग साजिष कर रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये छल कपट करके हमें और आपको समाज में सबसे पीछे धकेलना चाहते हैं, ये छल कर रहे हैं धोखे से। बताओ हमें, आज हम पढ़ नहीं सकते, अच्छी पढ़ाई नहीं हासिल कर सकते, और अगर पढ़ाई भी हासिल कर ली तो आपको रोजगार और नौकरी नहीं मिल सकती, ये स्थिति पैदा कर दी इन्होंने। और जो हमें संविधान से अधिकार मिला था आरक्षण का, बताओ आरक्षण छीन लिया कि नहीं छीन लिया आपका। और हम कोई नाराजगी नहीं है, हमारे ओझा जी बैठे, हम तो कहते 10 नहीं 20% दे दो, अगली लोगों को 20% दे दो, हमें कोई नाराजगी नहीं है उनसे। लेकिन हम चाहते हैं आपसे और सरकार के लोगों से चाहते हैं, और नहीं मौका मिलेगा तो हम समाजवादी लोग आने वाले समय में गठबंधन के लोग मिलकर के फैसला लेंगे। हम चाहते हैं कि जब आधार बन गया हमारा आपका सबका, बताओ आधार बन गया कि नहीं बन गया, बहुतों का आधार बन गया है, जनगणना हुई, आधार बनाने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च सरकार ने किए, जनगणना में 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आज कभी हमारे समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं वो सोचते हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा हैं लेकिन हम गिने नहीं जाते, हमारे कहीं प्रजापति समाज के लोग होंगे वो सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं लेकिन हमारी गिनती नहीं है, हमारे पास समाज के लोग खड़े हैं ये भी सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं लेकिन हमारी गिनती नहीं है, ये हमारे धोबी समाज के खड़े हैं ये भी सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं लेकिन हमारी गिनती नहीं हो पा रही है। कभी यादव को झगड़ा करा दिया कुर्मी से, कभी कुर्मी को झगड़ा करा दिया यादव से, कभी यादव का झगड़ा करा दिया प्रमोद मौर्य से, और प्रमोद मौर्य का झगड़ा करा दिया हमारे यादव भाइयों से। बताओ ये रणनीति अपना रहे बीजेपी वाले के नहीं अपना रहे,
इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबको गिन लिया जाए, हम सब गिने जाएं, हम आबादी में कितने हैं, और हमें गिन करके हमें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। हम किसी का छीनना नहीं चाहते, हम किसी का हड़पना भी नहीं चाहते हैं, केवल हम हक और सम्मान चाहते हैं। इसमें कोई ना गलती नहीं है। और हम आपको बता के जा रहे हैं तमाम साथियों को, जब कभी समाजवादी सरकार को मौका मिलेगा, गठबंधन को मौका मिलेगा, तो ये जो जनगणना है जाति के आधार पर, इसको पूरा का पूरा सार्वजनिक करेंगे, जिससे समाज में पता लग जाए कौन कितना है, आबादी में कितना है। लेकिन तकलीफ होगी कुछ लोगों को, वो आबादी में ही नहीं निकलेंगे, गिनती में ही नहीं निकलेंगे। और फिर सोचो, ये तो हक और सम्मान छीना जा रहा है। क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों को, बताओ। नेताजी मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर रहे, और जब हम घर खाली कर करके गए, तो यही जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था। बताओ, धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था? जब हमारा धुलवा सकते हैं, तो बताओ आपको क्या समझते होंगे ये लोग। और फिर अभी कुछ दिन पहले एक ही बार बोला, दोबारा नहीं बोल पाए वो। उन्होंने कहा कि संविधान नहीं होता तो हम भैंस चरा रहे होते। हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हमें मौका मिलता है तो हम दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बना देते हैं, और पुलिस के लोगों के लिए 100 नंबर दे देते हैं, एम्बुलेंस भी दे देते हैं, और मौका मिलेगा तो गाय भैंस भी चरा लेंगे। लेकिन सोचो कभी आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप? आपको अपने मठ में जाकर के घंटा बजाना पड़ेगा। हम तो अपना दूध दही से काम चला लेंगे। बताओ, मठ में जाके घंटा ही तो बजाओगे, और क्या करोगे? और फिर हमें और आपको बदनाम करने के लिए इन्होंने हमारे घर से टोंटी निकाल ली। ये टोंटी वाली लड़ाई हमारी बाबा मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता नहीं, वो भी टोंटी के चक्कर में पड़ गए हैं। हमने कहा है कि जनता से निवेदन किया है कि ये तो लोकसभा का चुनाव है, इसमें मदद करो हमारी, और 2022 में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। जिन्होंने टोंटी निकाली है वही अधिकारी जाएंगे, घूमेंगे खूब, और तब तक बाहर निकल कर नहीं आएंगे जब तक हाथ में चिलम लेकर के नहीं आ जाएंगे। अब चिलम पे ज्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि आप गांव के लोग सब जानते होंगे। बताओ, ये कैसे बाबा मुख्यमंत्री हैं? बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं सोचो आप। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, उस समय समाजवादी सरकार थी, हो सकता है भेदभाव कर दिया हो यहां के लोगों ने, लेकिन समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। और ऐसा समय था कि ये विधायक मंत्रियों ने बांटे होंगे, जो आज भी लैपटॉप मिले होंगे वो आज भी गांव में चल रहे होंगे, खराब नहीं हुए होंगे। जिसके पास होंगे आज भी चल रहा होगा, और जब ऑन करते होंगे तो हमारी और नेताजी की तस्वीर देखते होंगे उसमें। हमसे कहा इन्होंने कि आपने भेदभाव किया था बांटने का, बीजेपी के लोग भी बांटना चाहते थे। बताओ, कहीं लैपटॉप किसी को बीजेपी वालों ने दिया हो तो बताओ। और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते तो देते, नहीं चलाना जानते इसलिए सब छीन लिए। और हमें याद है, हमारे विधायक मंत्री और दूसरी पार्टी के भी नेता आते थे, वो कहते थे कि हमें बांटने का मौका दे दो,
तो बताओ उन्हें भी हम लोग मौका देते थे बांटने का कि जाओ अपनी विधानसभा में बांट लो जाकर के। समाजवादियों ने 102 108 एम्बुलेंस चलाई, 102 108 एम्बुलेंस चला दी, और ये पुलिस को भी हमने 100 नंबर दिया था व्यवस्था वाला, और इसलिए व्यवस्था दी थी ये 100 नंबर वाली। ये अकेले पूछ लेना हमारे पुलिस के अधिकारियों से, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी पुलिस को हमने। ये अमेरिका में जैसी व्यवस्था थी वही हमने उत्तर प्रदेश में लागू की थी, और इसलिए लागू की थी कि गरीब अगर हमारा खेत पे है, कहीं कोई गांव में परेशानी आ गई, कोई झगड़ा हो गया, तो इसे थाने क्यों जाना पड़े, वो फोन मिलाए और पुलिस साहब के पास पहुंच जाए और मदद करने का काम करे। बताओ इसलिए बनाया था कि नहीं बनाया था? ये बाबा मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या हो गया, ये 100 नंबर भी खराब कर दी, और वही बुराई आ गई जो पुरानी बुराई थी, वही बुराई फिर लौट आई। हम चाहते थे कि थाने न जाना पड़े हमारे गरीब को, क्योंकि थाने में जाकर के थानेदार सबसे ज्यादा अपमानित करता है। बताओ अपमानित होते हो कि नहीं होते अपमानित? हमने तय कर लिया है अगर अमेरिका में पुलिस चल सकती है गाड़ी से, सब मदद हो सकती है, तो फिर ऐसे अन्याय और उसके लिए जगह क्यों चाहिए आपको थाना? ये व्यवस्था दी थी, और कभी ऐसी गाड़ियां नहीं मिली थी पुलिस को। ये हेड कांस्टेबल होंगे या सिपाही होंगे उनसे पूछिए कभी ऐसी गाड़ी मिली? और थाने में तो डीजल पेट्रोल नहीं होता था, वो भी दूसरे से डरा करके लेते थे डीजल पेट्रोल, और पुलिस भर्ती भी आसान की, और इतने प्रमोशन कभी पुलिस में नहीं होंगे जितने समाजवादियों ने करके दिखाए, प्रमोशन किए। और नौजवानों हम कह के जा रहे हैं, अभी पुलिस भर्ती की थी उसमें 10वां 12वें पास, और जो दौड़ के दिखाता था वो अपने आप भर्ती हो जाता था, उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आज नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। इसलिए आने वाले समय में हम नौजवानों कहना चाहते हैं आपको, दिल्ली में अगर महागठबंधन जाएगा तो चाहे फौज हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, आपको नौकरी उसी तरीके से दी जाएगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दी गई थी। और हमें नहीं लगता ये मेरिट वाले हों, जब से हम मेरिट वालों की तारीफ करने लगे तब से ये मेरिट वाले हटा दिए हमारी ड्यूटी से। ये मेरिट वाले हैं क्या? देखिए ये गलती कर गया अपने जिले का कप्तान, मेरिट वालों को भेज दिया। बताओ तुम्हारी टेंशन खत्म कर दी कि नहीं कर दी परीक्षा वाली? और बताओ क्या करवाते हो इनसे? दो परीक्षा लिखवाते थे आप, दो परीक्षा, और क्या देते थे? डंडा, केवल वर्दी और डंडा। इसलिए दो परीक्षा चाहिए, असली चाहिए, इनको खाना अच्छा मिल जाए, वर्दी अच्छी मिल जाए और ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए, तब हमारी पुलिस अच्छा काम करेगी। वही हम समाजवादी लोग करना चाहते हैं। बताओ एक ये जो बातें हो रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री, बताओ एक फौज के जवान से डर गए? बताओ एक जवान से डर गए कि नहीं डर गए? और उसमें आरोप क्या है? उसपे आरोप था कि उसने पतली दाल और खराब रोटी की शिकायत कर दी थी। क्या हो गया? पानी दो इसको, पानी दो। हमारे साथ एम्बुलेंस दी क्या? पुलिस ले आओ इनको, एम्बुलेंस दे दो हमारी वाली गाड़ी को, ये को दे दो जो आपके जिले से लगी हो, दे दो उसको। तो अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार असली वोट असली लोगों के ही पास जाएगा। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि हमें महामिलावटी कहने वाले लोगों को मैं ये बता दूं कि ये किसानों और गरीबों का गठबंधन है, दलितों और जनता का गठबंधन है।
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जाने वाले हैं और एसपी बीएसपी वाले आने वाले हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाया, लेकिन बीजेपी ने अच्छे दिन अभी तक नहीं लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों और युवाओं से जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए और बीजेपी ठोको नीति अपना रही है। एक तरफ पुलिस जनता को पीट रही है तो वहीं जनता भी पुलिस को पीट रही है। अखिलेश ने जनसभा के दौरान